आईफोन 14 का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। एप्पल का अगला फ्लैगशिप फोन आईफोन 14 अगले महीने लॉन्च हो सकता है। लाइनअप में आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल होने की उम्मीद है। कब होगा आईफोन 14 लॉन्च, शुरुआती कीमत क्या होगी, ये सब हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 7 सितंबर को इस फोन से पर्दा उठा सकती है। एप्पल की कुल बिक्री में करीब 50% हिस्सेदारी आईफोन की होती है। सूत्रों के मुताबिक आईफोन 14 के साथ ही कंपनी कई प्रोडक्ट बाजार में उतारने का सिलसिला शुरू करेगी। नया मैक लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर, एप्पल वॉच और आईपैड की अलग अलग कीमत वाली पूरी रेंज इनमें शामिल है। एप्पल आईफोन 14 का स्टैंडर्ड मॉडल काफी हद तक आईफोन 13 से मिलता जुलता होगा। अब बात करते हैं आईफोन 14 सीरीज की एक्सपेक्टेड कीमत की। आईफोन 14 की कीमत $799 यानी करीब ₹64,000 से शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत पिछले साल के आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स की तुलना में $100 यानी करीब ₹8,000 बढ़ सकती है। अब आपको बताते हैं 14 सीरीज के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स क्या हो सकते हैं। आईफोन 14 में 6.1 इंच की स्क्रीन हो सकती है और 14 मैक्स में 6.7 इंच का डिस्प्ले हो सकता है। प्रो मॉडल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी शामिल हो सकता है। 14 प्रो स्क्रीन प्रोटेक्टर की लीक इमेज से पता चलता है कि ये एक गोली के आकार के कटआउट को सपोर्ट करेगा जिसके बगल में एक होल पीस स्टॉल होगा। ये डिजाइन पहले लीक हुए कैर रेंडर्स की तरह दिखती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 14 ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड और व्हाइट कलर ऑप्शन में आ सकता है। इसके अलावा आईफोन 14 प्रो गोल्ड, ग्रेफाइट, ग्रीन, पर्पल और सिल्वर कलर ऑप्शन में मिल सकता है। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि 14 लाइनअप 30W चार्जिंग सपोर्ट के साथ बड़ी और भारी मैगसेफ बैटरी को सपोर्ट कर सकता है। 14 सीरीज में बैटरी कैपेसिटी बढ़ने की भी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि 14 और 14 मैक्स में 3279 mAh की बैटरी और 4325 mAh की बैटरी मिलेगी। इसी तरह 14 प्रो में 3200 mAh की बैटरी हो सकती है और 14 प्रो मैक्स में 4323 mAh की बैटरी हो सकती है। एनालिस्ट मिंग चू कू ने के मुताबिक 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर हो सकता है। प्रो और गैर प्रो मॉडल के बीच परफॉर्मेंस के अंतर को स्मार्टफोन की मेमोरी से समझ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 प्रो और 14 मैक्स में 6GB LPDDR5 रैम होने की उम्मीद है। पिछली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रो मॉडल में 2TB तक का स्टोरेज भी मिल सकता है। लीक से पता चला है कि आईफोन 14 सीरीज में कॉम्पैक्ट मिनी वेरिएंट नहीं मिलेगा। एप्पल ने इसकी बिक्री कम होने की वजह से ये फैसला लिया है। छोटे साइज के आईफोन का ऑप्शन केवल आईफोन SE सीरीज ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।